मन हुआ है। प्राकृतिक संपद, प्राचीन प्रज्ञा और रंग बिरंगी लोक संस्कृति से समृद्ध कार्बी भूमि में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन से एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को सही दिल से असम का ये पवित्र भूमि में, कार्बी आलंग का ये पवित्र भूमि में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखा था, कार्बी माने पहाड़, आंगलोंग माने मानु, कार अर्थे पोहर आरो बी माने कर्म। कार्बी जातिर आदर्श होल कर्म माने धर्म। श्रद्धा राइज, आज आमार बाबे एक अत्यंत गौरव दिन जे भारत सरकार अहम सरकार उद्योगत कार्बी आलंगर छयटा उग्रपंथी संगठनर लगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार आशीर्वादत जुआ सेप्टेम्बर माहत कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होइसिल। एक कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित हुआर पिछत आजि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय एक ऐक्य शांति आरो विकासर समावेशत आमार माजलत जोग दिब आहिसे। आजिर एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय प्राय 220 कोटी टकारे मानजात एखन पशु चिकित्सा महाविद्यालय, प्राय 200 कोटी टका बेरे पश्चिम कार्बी आलंगत एखन कृषि महाविद्यालय आरो 43 कोटी टका बेरे ओम पेनाइट सरकारी महाविद्यालय आधारशिला स्थापन करिब। 2014 सनर परा एक कार्बी आलंगक उन्नयनर नतून शिखरलै लै जाबर बाबे राज्य सरकारे काम करि आहिसे। डिफुट मेडिकल कलेज, कार्बी आलंगर स्टेट यूनिवर्सिटी आरो कार्बी आलंगत नतून विमान बंदर, एक गुटै बिलाक कार्बी शांति चुक्तिर अधीनत राज्य सरकारे सम्पादन करिब। श्रद्धा राइज, आजिर दिनटो आमार बाबे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आरो आजिर दिनटो कार्बी आलंगर इतिहासे सदा स्मरण करिब। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारी सरकार ने असम के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण की योजना भी बनाया है। आज दीफू में माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर राष्ट्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस अभियान के तहत पानी की हर बूंद को बसाने और हमारी जलाशय को पुनर्जीवित करने के लिए असम में लगभग 3000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक सरोवर को एक वर्ग हेक्टर भूमि में निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर से जुड़े प्रत्येक ग्रामीणों की पर्याप्त पानी मिलेगा। मत्स्य पालन में वृद्धि होगी और वृक्ष रोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी एनरेगा, असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये सब कार्यक्रम को एक जगह में लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि कार्बी जनता और असम का जनता, ये जो आपने हमको शांति दिया है, ये शांति हम मिलके बरकरार रखेगा और असम को भारत का एक प्रगतिशील और विकसित राज्य तक पहुंचाते रहेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। 2014 का बाद आपने उत्तर पूर्व में त्रिपुरा में ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में असम में बोरू एकॉर्ड किया, एनएलएफटी का एकॉर्ड किया और आज आप कार्बी आलंग में एकॉर्ड किया और साथ साथ में आप असम का धरती से 60% एरिया से डिस्टर्ब एरिया आइन और आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट को भी आपने उठा लिया और असम में एक विकास का एक नया शुरुआत किया। प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद असम का जनता का साथ बना रहे,
आपका मार्गदर्शन हमें हर दिन मिलते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। एट लास्ट मैं रंगबंग तेरंग जी का एक छोटा सा कविताओं से मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तिमिरा स्वर्ण एक कार्बी आलंगत पोहर बिलाओ आमी पोहर बिलाओ, जुग जुगलय अज्ञान राक्षसिक ज्ञान प्रदीपेरे विनाश कराओ, कार्बी कसारी डिमासा रेंग मारे अहमियाई हिरु जलाओ, खेउजी पृथ्वीत खेउज मनेरे कार्बी आलंगत पोहर बिलाओ, अंधेरे से घिरा ये कार्बी आलंग इसको रोशन करे हम, रोशन करे हम, युग युगों का अज्ञानी रूप से राक्षस को ज्ञान के दीपक से विनाश करे हम, कार्बी कसारी दीमासा रेंगमा से असम मातृभूमि का शीश उज्जवल करे हम, इस हरी भरी धरती में उज्जवल मन से कार्बी आलंग को रोशन करे हम, कार्बी आलंग और राइज बहुत खरु खरु राज्य नथका आज डांगर विकास कार्बी आलंग से कार्बी आलंग भरते एन जाकत जिलिका जिला लो जाकत जिला जिलिका अंचल लम रूपान्तर कर मोर एक कब भारत माता के नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व ने हमारे राज्य को चारों दिशाओं से उन्नति में तीव्र गतिमान बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से असम सरकार जल संपदा संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की पहल की है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रही है। इसी परियोजना के ऊपर आधारित एक खस्व चित्र अब आपके सामने प्रस्तुत है। भूजल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। देश के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता, नेतृत्व एवं अथक प्रयास से अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन जैसे निरंतर प्रयासों के साथ आज देश में जल संरक्षण का विषय एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मिशन अमृत सरोवर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण के विजन और संकल्प को मजबूती देने वाला अहम कदम है। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और संकल्प को दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना और मीन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सफल कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित की है। ये परियोजना किसानों, महिलाओं और आम आदमी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। असम मॉडल में एक हेक्टेयर में मत्स्य पालन के साथ साथ व्यावसायिक वृक्षारोपण की 3 परतें, एक